हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और मैं आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है जी हफ्ते का दिन और यहाँ है ऑलमोस्ट शाम का टाइम। ऑलमोस्ट इसलिए कह रही हूँ कि शाम होने में भी थोड़ा टाइम बाकी है। तरह का एक शीट होता है, कटिंग के लिए ही होता है। तो ये दो थे, दो का सेट था और एक मैंने निकाल लिया है, ये ग्रे वाला और जो ग्रीन वाला है वो मैंने रख दिया। ये मैंने आई किया हॉल में, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये मुझे मिले थे 12 रियाल के। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना, ये गोश्त थोड़ा सा रखा हुआ था, बोनलेस चिकन। तो अब मैंने पहले जो है वो, पहले मेरे पास दूसरे वाले ग्लव्स होते हैं तो वो वाले नहीं थे, तो ये वाले मैंने पहने हैं। तो उससे मेरे से ये कटिंग सही तरह से हो नहीं रही थी और मुझे बनाना था चिकन का कीमा बनाना था, थोड़ा मोटा मोटा सा। बस आज वैसे ही दिल कर रहा था तो मैंने कहा चले, तो वो मैं कोशिश कर रही थी। तो मेरे से ना ये ग्लव्स के साथ, इन वाले ये जो प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, पहले एक दूसरे वाले होते हैं तो वो काफ़ी लचकदार से होते हैं और उनके साथ काम करना आसान होता है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी मुझे जो है वो बार बार उतर रहे थे तो काम हो नहीं रहा था। फिर बाद में मैंने इनको जो है वो उतार भी दिया था। तो अब यहाँ पे जो मेरी छुरी थी वो भी मसला कर रही थी, मैं इतनी तेज़ नहीं, तेज़ तो काफ़ी थी, पता नहीं अभी से क्या हो गया है कि उस तरह से काम नहीं कर रही है तो वो काट नहीं रही थी। यहाँ पर मैं छोटी छोटी इसके पीसेस बना रही हूँ, उसके बाद मैं इसको चॉपर के अंदर जो है वो अच्छा सा इसका मोटा मोटा सा कीमा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अभी बस मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही थी। अब इंशाल्लाह ताला जिस दिन भी गई ना तो एक मैंने अच्छी सी जो है वो छुरी लेकर आनी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेकार हो गई है, कट ही नहीं रहा था उससे चिकन। देखें, चिकन नहीं उससे कट रहा था तो और क्या करना था। हालांकि ये इतना नर्म होता है और बिल्कुल ये लग रहा होता है किस तरह का जो चिकन कीमा हम बनाते हैं ना, बिल्कुल मुझे तो वो ऑमलेट की तरह ही लग रहा होता है, वैसे ही सही बन जाता है। अभी सोच रही हूँ कि सालन जल्दी से बन जाए तो फिर जाके मैंने आज जो है वो मशीन भी लगानी है कपड़ों वाली। वो तो खैर हर वीक पे एक दफ़ा आपको लगानी ही पड़ती है। समटाइम मेरा ये होता है कि मैं साथ साथ जो है वो सारी वीक में कपड़े जो है वो धोती रहती हूँ, लेकिन जिस वीक में मिस कर देती हूँ ना तो इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इस्त्री करने वाले और धोने वाले, तो बड़ा बर्डन हो जाता है। और यहाँ पे मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में तो कर लिया है, अब जो है इसको मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। अच्छा साइज़ का ना कीमा बन जाता है, क्योंकि ये चिकन है तो इतना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पर पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हो गया था कि वो वर्टिकल में आ गया था, लेकिन वो क्लिप जो है वो मैंने मिस नहीं किया, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस तरह आसानी से मैंने जो है वो ये जो मेरा चॉपर है ना, ये बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से काम करता है। और ये मैं लेकर आई थी, आई थिंक पांडा से लेकर आई थी, ऑफ़र पे था ये और मुझे 59 या 69 समथिंग का ये मिला। तो इसकी एक मुझे ये अच्छी सबसे बात लगती है कि इसके अंदर अगर आप इसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूसली दबाए रखते हो तो वो चीज़ों को जो है वो पेस्ट में टर्नओवर कर देता है। और यहाँ पे मैंने जी अपना हल्का सा जो है वो तड़का तैयार कर लिया है कीमे के लिए। और तड़के में वही जो मेरे पास पीसी हुई लाल मिर्च है उसी के अंदर होता है, लहसुन अदरक धनिया हर चीज़ जो है वो उसके अंदर ऐड होती है। ऐसे पीस के रखने से ये फ़ायदा होता है। और ये तो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, मैं अपनी हर वीडियो में तक ये दूँगी इस बात जो है वो। तो तड़के के बाद जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कच्चा जो अनियन है वो डालूँगी, वो इसके साथ थोड़ा बाद में कुक हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा कच्चा रहता है तो वो अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए सूजी की खीर। ये
थोड़े से पानी के अंदर मैंने पहले सूजी को गलाया है और अब हाफ कप दूध उसके अंदर ऐड किया है, साथ में जो है वो चीनी ऐड कर दूंगी। और शाम के खाने के बाद जो है वो एज़ यूजल हम निकले हैं बाहर, तो नमाज़ का वक्त हो रहा था तो हस्बैंड ने गाड़ी यहाँ पे रोकी, वो साथ वाली मस्जिद में जो है वो नमाज़ पढ़ने गए हैं और वो भी आते हैं। तो बस एज़ यूजल जो है हफ्ते वाले दिन मैं लेकर आती हूँ सब्जियों, और इतनी ही मकदार में लेकर आते हैं जो एक हफ़्ते में आप जो है वो यूज़ हो जाए। तो बस चीज़ यहीं तक थी मेरी आज की जो वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।